हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एलजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, इससे पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी पढ़ाया था, काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन बताया था, उस पर बेस फॉर्मूला भी ड्राइव करवाया था, उस पर बेस कुछ एक न्यूमेरिकल भी करवाए थे। साथ साथ मैंने कुछ चीज़ें आपको एक्सरसाइज करवाई थी जिसमें मैंने आपको करवाया था प्रूव दैट पी इज इक्वल टू रूट टू एन के। याद है आप सभी को? आज इसी कड़ी में आप लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डिफाइन वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर? 100% लगा लें इस क्वेश्चन पे, आपको एग्जाम में रखा मिलेगा। क्लियर? डिफाइन वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर? तैयार हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए? सब लोग ऑन द बोर्ड देखेंगे, 100% बाद में लिख लिए, ऐसी कोई दिक्कत ना आए। इतने देखो, पहले वर्क एनर्जी थ्योरम। इससे पहले कि मैं आप लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम बताऊं, मैं आप लोगों से भी थोड़ा बहुत कुछ जानना चाहता हूं। आप लोग मुझे बताओगे? अच्छा बताइए, ने देह कौन सा बतावेगा मुंह पे थे? आज तुम्हारे पास 3 रुपया है। क्लियर? कल तुम पैसे वाले हो गए और तुम्हारे पास 5 रुपए हो गए, तो आप मुझे बताओ चेंज इन रुपीज कितना है? चेंज इन रुपीज सिर्री बता देगा, चेंज इन रुपीज कितना है? 2। क्लियर? कैसे आया ये 2? है 5-3 तो मैं समझ गया। 5 कौन सी वैल्यू है? इनिशियल वैल्यू है या फाइनल वैल्यू है? हैं? फाइनल। हाँ, और 3? इनिशियल। जब भी कभी चेंज निकाला जाता है, वी ऑलवेज डू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्या? क्या? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज। क्लियर? कभी भी कहीं भी आपको अगर कोई चेंज निकालना हो, वी ऑलवेज डू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। सीन क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। कल बड़ा डेरिवेशन करके गए आप काइनेटिक एनर्जी वाला, हाफ एम वी स्क्वायर है। जब आपने वो डेरिवेशन किया था तो वहां पर यू बराबर 0 लिया था कल, अगर आपको याद हो तो। वॉट वॉज यू? जानता हो? वॉट इज वी? What is the formula for kinetic energy? अच्छा, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, ये तो कहीं गए नहीं, तो बताइयो। मैंने यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, यू है? यू भी तो वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी हुआ तो क्या हुआ? तो बताओ ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी आ रही है। है कोई माइका लाल जो मुझे बता दे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे फिर? अच्छा, ये हाफ एम वी स्क्वायर ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है? ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है? तुम्हें कैसे पता चला ये इनिशियल है? इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, यू आ रहा ताते। अच्छा, कौन सी है? कहा फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जहां फाइनल वेलोसिटी आ रही है ताते, है ना? अच्छा, मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मैं कहा करता हूं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे निकालनी है तो मैं ऐसे लिखूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे? अच्छा, तो मतलब कौन सी जगह अगर ऐसे लिखी होगी तो तुम समझ जाओगे ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और तुम समझ जाओगे ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी काय के बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात आपको समझ में आती है? पक्का? अच्छी बात है, गुड। आप तो जानते हो जैसा, ऐसी बात ना, पढ़े लिखे हो। आओ तो मैं बहारों में ले चलो, चलोगे बहारों में? आओ बहार है ना, मैं आवाज तो। वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे क्या कहती है? लिसन एवरीवन, लुक, दुनिया वालों, ये जमीन है। क्या है ये? जमीन। हाँ, और इस जमीन पे ये एक बंदा दौड़ रहा है, ये एक बंदा दौड़ रहा है। क्लियर? दौड़ रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी,
कुछ कुछ वेलोसिटी भी होगी, होगी नहीं होगी, होगी। का होगी वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी। दिस बंदा इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर? ये बंदा एक इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव कर रहा है, सीन क्लियर है? दौड़ रहा है, बढ़िया दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? मालूम है क्यों दौड़ रहा है? मालूम क्यों दौड़ रहा है? चोर है। और कहा हो? चोर है। को है? चोर। अच्छा, कहीं जो बॉडी है तो इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, इस इंसान का कुछ ना कुछ मास भी होगा। चोर है, भज रहा हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू जीरो नहीं है, भग रहा हुआ है। जीरो कैसे हो जाएगी? ए धरा तोड़िए, चोर भग रहा हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू कितनी है इनिशियल वेलोसिटी? यू। जो मैंने बोला आपको समझ में आया? तो चोर का कर रहा हुआ है, कितनी वेलोसिटी से भग रहा हुआ है? अच्छा, चोर बज रहा है तो अपने आप तो बज नहीं रहो, वो पीछे को लगो वो। शाबाश, मैं मर जाऊं कसम से। पुलिस भैया तो भाई चली आ रही है, पुलिस ने जो थाप दे दी हमें, पकड़ ना पाई पुलिस, जाए पकड़ ना पाई पुलिस ने जो इट, क्लियर? तो पुलिस ने इस चोर पे वर्क डन किया, पुलिस ने इस चोर पे वर्क डन किया, और जैसे पुलिस ने थाप दे दी जी और भरभरा के बजेगो बोलो, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई वी, क्लियर? जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक इसने कुछ कोई डिस्टेंस भी ट्रैवल किया होगा, yes, मैंने मान लिया एज डिस्टेंस ट्रैवल किया, सीन ले रहे सभी को? Yes, कोई दिक्कत? Yes, यहाँ पर बॉडी हो गई चोर, इस चोर पे जब मैंने वर्क डन किया, वर्क डन किया यानी समझ गए ना? Yes, तो जाहिर सी बात है चोर की वेलोसिटी चेंज हो गई। Yes, बोलो। Yes, जब चोर भग रहा था तो उसके अंदर क्या कौन सी एनर्जी थी? फिर वहां मैं पीछे थे थाप दे दी तो काइनेटिक एनर्जी भज ही रहा है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी वही रही या चेंज हो गई? किस वजह से चेंज हो गई? हाँ, थाप देना मत बोलो कमीनो, बोलो वर्क डन की वजह से। काय की वजह से? हाँ, वर्क डन की वजह से। तो बस यही वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द पुलिस वाला, क्लियर? नहीं है बात समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जब हमने इस पर वर्क डन किया, माने थाप दी, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। yes, तो ये वर्क डन काय में बदल गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। समझ आ रही है? वर्क डन की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। नाम बोले ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी अगर किसी बॉडी पे वर्क डन किया जाता है तो वो वर्क डन उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। कहानी समझ में आ रही है? yes, अगर किसी ने पूछ लिया कि भैया वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होवे है, तो हम उसे बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सीन क्लियर है? कहा हुआ को परेशानी? अब इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। हमें क्या करना है? प्रूव करना है, यानी हमें कुल मिला के ले दे के हमें ये लाना है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन, देखो बोलवे करो, बोलती हो ना तुम, कहा याद हो तुम्हें? क्लियर? वर्क इज इक्वल टू मुझे क्या लाना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। कहा हुआ को परेशान है? समझ गए? मैंने बचपन में पढ़ा था वर्क का फॉर्मूला, W बराबर एफ डी कॉस थीटा, थाप देना यानी फोर्स लगाना, फोर्स F डिस्टेंस की जगह S, क्लियर? डिस्टेंस यही तो है, कॉस थीटा। तो भैया थाप जा में जालंगते दे रहे हो कि जालंगते दे रहे हो? जालंगते दे रहे हैं, तो फोर्स जालंग, और जिस तरफ फोर्स है डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ है, कितने डिग्री का एंगल हो गया? आप महान है, नोट्स देख देख के बोल रहे हो ना आराम से, आप पर हो तुम पे। तो कॉस एंगल जीरो क्यों आया, समझ में आई बात? बाय द वे कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो हो गया वन, तो W बराबर, आप महान है। है कोई माइकल लाल जो फोर्स का फॉर्मूला बता दे, सिर्री बता दे वो? एस भैंसों की, काबू को परेशानी, ठीक है? गौर से देखिएगा, यू है, वी है, एस है। यारो मैंने बचपन में पढ़ा था बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, सीन क्लियर है?
अब मैं कछु बोले वो नहीं, तुम कछु कहीं हो मत, ठीक है? करते रहेंगे तो ठीक है, लेकिन समझ में आओ क्यों यू स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस का हो गया, सीन क्लियर है? सीन क्लियर है ना सभी को? अच्छी बात है। तो बेटा ए एस की वैल्यू आ गई हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, मैं धार दूं तो ये मैंने किया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, बोलो भैया। एम अंदर पहुंचा दूं? Yes, मन लग गो तमाता हूं। सही है, मोहबंद करवाए मेरे को तो तरीका मिलो मुझे जनरल क्लियर है। काई काई सुनने होगा, सुनने होगा जे टू अलग अलग कर लो निन्यारो कर दो मैंने हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर का हुआ को परेशानी डब्ल्यू इज इक्वल टू का है ये हाफ एम वी स्क्वायर ये का है अबे जहाँ मैं हूं ना बोल लीजिए का है पागल से हो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नहीं है मेरी बात समझ में बोलो भैया सीन क्लियर है yes, तो अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि भैया वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है तो हम लोग बता पाएंगे वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्लियर प्रूव कर पाएंगे yes, जल्दी से फटाफट देख लो 2 से 3 मिनट का समय दिया उसके बाद फोरे हो क्लियर लिसन एवरीवन तो अभी हमने देखा वर्क एनर्जी थ्योरम सीन क्लियर है क्या होता है वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी सीन क्लियर है सभी को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वेल आपने क्या बोला फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ माइनस हाफ सीन क्लियर है अगर मैं यहाँ से हाफ एम कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कहानी समझ में आ रही है कल को कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की आप तैयारी करोगे तो ये यूज में आएगा वर्क डन इज इक्वल टू ये क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है समझ में आई बात सीन क्लियर है नोट में यही लिखा हुआ है देख लो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स टाइप्स क्लियर डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स टाइप्स भैया ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब तक साइंस लाइन है आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जगह जगह बार बार आएंगे है ना तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छे से बस जानी चाहिए वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी क्लियर अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी मुझसे पूछा जा रहा है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स टाइप्स तो ध्यान से सुनिएगा पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है रियलिटी शोज देखते हो आप लोग कई बार उसमें जजेस होते हैं बोलते हैं कि आपके बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है पेरेंट्स से बोलते हैं ना ऐसा आपके भी पेरेंट्स ने कभी बोला है आपको कि आप में बड़ा पोटेंशियल है कभी नहीं बोला कोई बात नहीं दुखी मत हो बोलेंगे एक दिन डोंट वरी है ना लिसन एवरीवन पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है इसे समझने की कोशिश करिएगा एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला मैंने हाँ किसी भी बॉडी में उसकी स्पेसिफिक पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं क्लियर अब साला मुद्दा ये है ये स्पेसिफिक पोजीशन क्या होती है सही बोल रहा हूँ ना है ना फिलहाल डेफिनेशन समझ में आ गई एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी सबसे रामबाण डेफिनेशन यही है पोटेंशियल एनर्जी का पूरा क्रक्स जो है पूरा सार जो है वो यही है एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी
यानी किसी भी बॉडी में उसकी स्पेसिफिक पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? अब मुद्दा यह है, ये स्पेसिफिक पोजीशन होती क्या है? स्पेसिफिक पोजीशन से मतलब एक ऐसी पोजीशन से होता है जहां से ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौटने की कोशिश करता है। क्लियर? स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब एक ऐसी पोजीशन से होता है जहां से ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौटने की कोशिश करता है। समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा हाथ है, इसको जमीन मानिए। क्या मानिए? जमीन। और जमीन पे ये कोहिनूर हीरा रखा हुआ है। क्लियर है? अब मैं इसे यहां से यहां ले आया, अब ये एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गया। इस टाइम इसके अंदर जो एनर्जी होगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बोला था एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मैं चाहे जा पोजीशन में ले आया हूं, एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गया है, अगर मैं यह छोड़ देंगे तो ये वापस अपनी औकात में चला जाएगा वहीं का वहीं। यानी स्पेसिफिक पोजीशन से मतलब एक ऐसी पोजीशन से जहां से ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौटने की कोशिश करता है। क्लियर? नहीं यही बात समझ? एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब बॉडी है ऐसी पोजीशन में धद्दे हो कि वो जैसे ही छोड़ दूं तो तुरंत अपनी पोजीशन में लौटने की कोशिश करें। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? तो जब मैं इसे मार्कर को यहां से यहां ले गया तो इस टाइम इसके अंदर जो एनर्जी आई वो कौन सी एनर्जी आई? जी हाँ, जी हाँ मेरे भाइयों, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? कागुआ को परेशानी, सोच लो, महसूस करो, का महसूस करो, मैं हाथ में एक स्प्रिंग है, का देखो दिख रही है स्प्रिंग, इनविजिबल है। तो ये जो स्प्रिंग है मैंने ऐसा खींच दी, टिंग। क्लियर? अब ये स्पेसिफिक पोजीशन में आ चुकी है। yes, इस टाइम इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो, और जैसे ही अगर मैं यहाँ छोड़ देंगे तो ये वापस अपनी औकात में आ जाएगी। नहीं आई मेरी बात समझ? आपने देखा होगा कि आप नॉर्मली घर में बैठे हो, शाम का वक्त है, 5-6 बज रहे हैं, आप आराम से ऐसे अपनी चेयर पे सोफे पे बढ़िया फर्स्ट क्लास गद्दी लगा के चकाचक बैठे हुए हैं, चाय की चुस्कियां चल रही हैं और सामने टीवी बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही है। सही बोल रहा हूँ ना? सामने टीवी चल रही है फर्स्ट क्लास, अचानक से पापा के कदमों की आहट हुई। जैसे ही पापा के कदमों की आहट हुई हमारी पोजीशन ऐसे हो जाती है। सही बोल रहा हूँ? तो अब आप एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गए हो, तो इस टाइम आपके अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही पापा चले जाते हैं अपन वापस उसी मोड में आ जाते हैं। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो भैया। इसके लिए एक एक्टिविटी भी हम लोग कर सकते हैं समझने के लिए, जो मैं बोलूं उसे एक्टिवेट करना। ओके, ऑनलाइन वालों तुम भी रेडी? तो मैं जो बोल रहा हूं उसके हिसाब से जो भी एक्टिविटी करनी होती है आप समझ जाएंगे क्या करना है, तो वो कर ही लेना है। अटेंशन, और पैर इतने मत ठोको। अब तुम एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गए हो। yes, इस टाइम आपके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब तुम संजान ऐसे ही बैठे हो, बैठे रहोगे? डीले बच जाओगे? नहीं बस मैं। क्लियर है? तो सबसे पहली बात मैं ये उम्मीद करूं कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी समझ गए। तो बताओ मुझे, अगर किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है तो वो बॉडी स्टेबल पोजीशन में होगी या अनस्टेबल पोजीशन में होगी? अनस्टेबल पोजीशन में होगी। वो अब किसी भी बॉडी के अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वो हमेशा उस एनर्जी को जीरो करने का प्रयास करती है। तुम्हारी जेब में अगर 100 का नोट दे दूं तो तुमने देखा होगा तुम चैन से नहीं बैठोगे, कभी टिक्की के ठेले के पास है ना, कभी समझ रहे ना मेरी बात को, समोसा कचौड़ी, जब तक वो 100 रुपया खत्म नहीं है जाएंगे तो हम हमें चैनते नहीं बैठेंगे। समझ रहे ना मेरी बात को? क्लियर? इसी तरीके से अगर किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बॉडी कभी चैन से नहीं बैठेगी, वो बॉडी हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करने का प्रयास करती है। कहानी समझ में आ रही है? तो ये डेफिनेशन हमारे पल्ले पड़ती है। क्लियर? एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी।
क्या हो गया को परेशान? इट इज ऑफ दुई टाइप, इट इज ऑफ, हाँ टू टाइप्स की होती है ये। एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन कौन सी होती है? जी हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और अभी मैंने जो एग्जांपल आपको दिए थे वो कहीं ना कहीं उनमें से एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का था और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का था। ध्यान से सुनिएगा, पहले इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ, लिसन एवरी वन, पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको समझ में आ गई और उसके टाइप समझ में आ गए तो पहले तो इतना पढ़ लो, फिर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। डेफिनेशन पढ़ लो आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने जो है दैट इज डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सारी चीजें गई भाड़ में, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन समझ में आया? पहले तो ये बताओ क्या डेफिनेशन है। एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड, शाबाश बच्चा, तो अच्छी हो तुम, ऐसी बात ना काय रोटी का तो yes, तो उससे हमको एनर्जी मिलती है। yes, सुना है मैंने ऐसा। yes, हम जो फूड खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी की बदौलत हम लोग कोई वर्क डन कर पाते हैं। सही बोल रहा हूँ? yes, जब तक एनर्जी नहीं होगी कोई काम कर पाएंगे आप? yes, यानी जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। यू मीन टू से एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क, सीम क्लियर है? सही बोल रहा हूँ? जितनी एनर्जी होगी उतना ही काम कर पाओ। आप ही तो पढ़ रहे थे कल द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, तुमने ऐसा कहाँ घुर घुर के देख रहे हो? है कल परसों बताई नहीं थी कहाँ बताई? जितने की एनर्जी होगी बीते हुई तो काम कर ले हुए, यानी एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क, एनर्जी इज इक्वल टू द, हाँ क्लियर है? अच्छा काय, जब हम वर्क करते हैं तो एनर्जी कंज्यूम होती है यार। ऊपर मैंने 9th-10th में मुझे पढ़ाया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज कंजर्व, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये हमेशा कंजर्व रहती है, इसे केवल हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। सच्ची कह दी मैंने तो, कुछ गलत कह दी मैंने? नहीं कह दी हो तो बताओ आप ना, नहीं तो बस सुनो आप। लिसन एवरीवन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है मुझसे, क्या पूछ रहा है? मान के चलिए ये जमीन है, जमीन नहीं है दीवाल है, और दीवाल से ये कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग बनी हुई है, ठीक है, मैं यहां पर इस स्प्रिंग को खींच रहा हूं, क्लियर, और स्प्रिंग खींच के मैंने तान के यहां ले आओ, स्प्रिंग है नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? तो स्प्रिंग यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गई, हुक गई नहीं? हुक गई, हुक गई। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? वर्क डन करेंगे तो थकेंगे, थकेंगे क्यों थको? क्योंकि मेरी बॉडी से एनर्जी कंज्यूम हुई, लूज हुई, पर एनर्जी तो कभी लूज होती ही नहीं है, एनर्जी तो कभी लूज होती नहीं है। जो मैंने वर्क डन किया, जो मैंने वर्क डन किया तो मेरी बॉडी से जो एनर्जी कंज्यूम हुई ना वो कंज्यूम नहीं हुई एक्चुअली, वो ट्रांसफर हो गई इस स्प्रिंग में, काय के फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, क्लियर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग काय के बराबर होती है? वर्क डन के बराबर। कौन सा वर्क डन? जो मैंने किया काय में, स्प्रिंग में नहीं, स्प्रिंग को उस चप चप स्प्रिंग को, स्प्रिंग अभी नॉर्मल स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट से एक्सपेंडेड स्टेट में ले आया, स्प्रिंग को नॉर्मल स्टेट से एक्सपेंडेड स्टेट में ले आया। अब जरूरी तो इतना नहीं कि मैं हमेशा वर्क डन जाए खींचे हुए में ही करूं, दबाने में भी कर सकता हूं, यानी कंप्रेस्ड स्टेट में भी लाने में कर सकता हूं। तो लिसन एवरीवन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज डन इन टेकिंग दैट स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्टेट टू कंप्रेस्ड स्टेट और एक्सपेंडेड स्टेट। नहीं यही बात समझ? किसी स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होती है जो उसे नॉर्मल पोजीशन से एक्सपेंडेड स्टेट या कंप्रेस्ड स्टेट में लाने में किया जाता है। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? कोने मोते पूछ ली काय रे फलाने, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? क्लियर? तो मैं बोलूंगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज डन इन टेकिंग दैट स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्टेट टू एक्सपेंडेड स्टेट और कंप्रेस्ड स्टेट।
नहीं आई बात समझ में? शांत मन से डेफिनेशन पूछ लूंगा, हनुमान बना दूंगा, पहले ही बोल रहा हूं, अच्छे से पढ़ लेना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सभी को क्लियर है ऐसी उम्मीद करता हूं। क्या चला रहा हूं? तीर। तीर में मैंने किसको खींचा है? ना मालूम ना, बोला प्रत्यंचा। कौन सोचा? हाँ, क्लियर। धनुष में जो डोरी लगी रहती है उसको प्रत्यंचा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोलना चाहे तो स्ट्रिंग। स्प्रिंग नहीं, हाँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डोरी। ऐसे मैंने खींच दई। अब जब मैंने ऐसे खींच दई तो बताओ कौन सी एनर्जी आ गई? इलास्टिक को बोले वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, क्लियर है। अब जैसे ही मैं उसे छोड़ दूंगा तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उस एरो में जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और उस एरो की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां पर क्या हुआ, एनर्जी का कन्वर्जन हुआ, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक जगह से दूसरी जगह। पुराने जमाने में, अब तो बहुत कम देखने को मिलती है, पुराने जमाने में आपने देखा होगा चाबी वाली घड़ी चलती थी। देखिए कभी जिंदगी में कि ना देखी? ए मी मैया, वाकई जमाना बदल गया। आजकल तो सेल वाली घड़ी चलती है। पुराने टाइम में अगर आप लोगों को पता हो, आपके घर में जो सीनियर सिटीजन है उनसे पूछना, उसमें क्या होता था, सेल वेल डारवे की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर, वहां में रोज चाबी भरनी पड़ती। नहीं है बात समझ में? उसमें जब हम चाबी भर देते थे तो दिन भर वो घड़ी चल जाती थी उस चाबी भर देने से। समझ में आ रही है बात? जब हम उसमें चाबी भरते थे तो वो धीरे धीरे वो स्प्रिंग होती थी अंदर लिपटती जाती थी, जिसकी वजह से उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप यूज करते थे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे लूज होती जाती थी और कांटा मूव करता जाता था। कहानी समझ में आ रही है? तो जो समझ में आई मैंने क्या बोला? आपको देसी में समझाता हूँ, तुम्हारे खिलौना खेलता ना मैं हूँ चाबी भर रहे भाई, क्लियर है? तो वो जो चाबी भर रहे हो ना, तो वो कुछ और नहीं है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी भी खेलते हो गए? कार्टून देखते हो? अब है ना बड़े ही ना सीन, क्लियर है? तो दोनों एग्जाम्पल पढ़ लो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा जल्दी से। अगला है, इसके बाद हमारे सामने डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कहा ओके, ये जमीन है, इस जमीन पे ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? अब इस ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ के सरफेस से एक सर्टेन हाइट तक ले गया, यानी एक स्पेसिफिक पोजीशन तक ले गया। बोलो। एक स्पेसिफिक पोजीशन तक ले गया, यहां तक ले गया, सपोज करिए एच हाइट तक ले गया। बोलो भैया। तो अब ये स्पेसिफिक पोजीशन में आ गया। इस टाइम इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? द एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात? एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक और डेफिनेशन भी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज डन इन टेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू अ स्पेसिफिक पोजिशन। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? या फिर ऑब्जेक्ट को अर्थ के सर्फेस से एक सर्टेन हाइट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रही है बात? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज डन इन टेकिंग दैट बॉडी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू अ सर्टेन हाइट। कुछ भी बोल दो, सब चलेगा। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात? पूछूंगा, पहले ही बोल रहा हूं। काए काए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा वर्क इज इक्वल टू, मैंने सुनी है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। काए काए, जहां पर कितने फोर्स लग रहा है, फोर्स का फॉर्मूला बता, मुझे मालूम सिर भी बता देगा, मास एक ही जगह का आगो यही तो कह रहा हूं, तो मैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला आगो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, MGH याद किया था ना 9th-10th में, याद करो तो करो, नहीं करो का करो, MGH पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कराया जाता है, MGH, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद कराया जाता है
लिसन एवरीवन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला का आओ है, एच का है, नेवर से हाइट, से हाइट फ्रॉम द बेस। अब तुम कह रहे हो जा मैं का है, बात तो वही है, क्लियर, पर डोंट वरी, समय आने पे बताऊंगा, क्लियर। एच क्या है? हाँ, हाइट फ्रॉम द बेस, पढ़ लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पूछूंगा। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है, उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है कि भैया अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी है और 5 किलो की बॉडी है, उसका मास कितना है 5 किलोग्राम, और 5 किलो की इस बॉडी को अर्थ के सरफेस से एक हाइट पे ले गया, कितनी हाइट पे ले गया, 4 मीटर की हाइट पे ले गया, क्लियर है। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, जी की वैल्यू आने में 10 दे दी है, तो मुझे मालूम है अर्थ के सरफेस से एक सर्टेन हाइट तक ले जाने में जितना वर्क डन किया जाता है, उस वर्क डन को क्या बोलता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहाँ पर जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, आप महान है, एम कितने का दो है 5, जी कितने का 10, एच कितना है 4, 5 4 20 20 10 200 का आ, हाँ जूल, वर्क की यूनिट जूल होती है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में वर्क की यूनिट अर्ग, देख लही थे देर में, तो 1 जूल बराबर कितने अर्ग, 10^7 अर्ग, ठीक है। पहले तो तुम जो बता लो फिर बताओ तुम्हें मैं। इसके बाद हमारे को जो अगला न्यूमेरिकल दे रहा है उसमें वो मुझसे बोल रहा है एक पंप है, पंप, और उस पंप की पावर 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट बोले तो 1000 वाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट। अब वो कह रहा है वो पंप है ना 1 घंटे तक इस्तेमाल किया जाता है, 1 घंटे बोले तो 60 मिनट, और 1 घंटे बोले तो 60 मिनट, और 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड, तो मैं इसे 3600 सेकेंड लिख दूँ, बोलो भैया। तो वो कह रहा है 1 किलोवाट का जो पंप है वो 1 घंटे तक इस्तेमाल किया जाता है, यानी 3600 सेकंड तक इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कह रहा है वो कितना पानी 50 मीटर हाइट तक पहुंचा देगा, क्लियर, कितना पानी, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर, यानी वाटर का मास पूछ रहा है, कहानी क्लियर है। तो भैया पानी ऊपर जा रहा है, कौन सी एनर्जी, हाँ तो जाहिर सी बात है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और ये वर्क काय में बदल जाएगा, जब पानी ऊपर जा रहा है तो ये वर्क काय में बदलेगा, पोटेंशियल एनर्जी में, तो W की जगह पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, अपॉन T, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला MGH, ऐसे गुस्से में क्या देख रहे हो, समझ में आ रहा हो कछु के पैसे क्यों रह रहे हो, है आ रहा है, तो पावर कितने गए 1000, मास निकालना है हमें, जी कितना है 10, हाइट कितनी है 50, अपॉन टाइम कितना है, अब तो सॉल्व कर लोगे इसे, कितना दे रहा है आंसर, 7200 किलोग्राम, इतना पानी वो पहुंचा देगा, सीन क्लियर है सभी को, नोट इट डाउन, ठीक है, आज के लिए पर्याप्त, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।